वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अन अकेडमी. यूपीएससी 2022. लेट्स क्रैक इट. क्रैक यूपीएससी जीएस इंडिया विद लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. होपफुली आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे. और अन अकेडमी के ऑटोक्लेट चैनल पे आप सबका स्वागत है. आप सब जानते हैं कि हम लोग मेजर पर्सनैलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं, और इन मेजर पर्सनैलिटीज के अंदर हमने अल्फाबेटिक मैनर में जो है सारी पर्सनैलिटीज को कंप्लीट किया है. सो फार वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द मेजर पर्सनैलिटीज, लाइक जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के अंदर हमने फ्रॉम द अल्फाबेटिक ए बी सी डी इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है. और आज हम लोग इसी तरीके की एक और पर्सनैलिटी को कंप्लीट करेंगे. और इस पर्सनैलिटी के बारे में पहले भी मैं एक बार क्लास ले चुका हूँ, तब मैंने इंडिविजुअली तौर पर ये पर्सनैलिटी पढ़ाई थी. लेकिन आज हम इन पर्सनैलिटीज को थोड़ा सा डिफरेंट परस्पेक्टिव में देखेंगे. आज बात होगी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में. होपफुली आप लोगों ने इनके बारे में इससे पहले भी पढ़ा होगा. ये कैसी पर्सनैलिटी है जो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और आज़ादी के बाद भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एक दिन पहले जस्ट हम लोगों ने इसी तरीके की एक और पर्सनैलिटी को भी कंप्लीट किया था. आपको याद है कल हमने लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा था. सेम हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भी एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखते हैं. बेसिकली जब पार्टीशन हो रहा था तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, और ये उन मुसलमानों में से हैं जिन्होंने उस समय इंडिया को चुना था, यानी एक सेकुलर देश को चुनने की कोशिश की गई. और इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि पार्टीशन, तो पहले सबसे पहले इन्होंने मना किया था कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी भी तो कुछ मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल पार्टीशन के ऑपोजिट है, और उसमें से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. लेकिन जब इनकी पर्सनैलिटी की आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इनको किस चीज़ के लिए आज हम याद करते हैं, इनको जिस चीज़ के लिए याद किया जाता है वो है एजुकेशन. यानी कि इन्होंने जो रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाया था वो बहुत बढ़िया था, यानी कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है. और इन्होंने गांधी के साथ मिलकर बहुत क्लोजली काम किया है. खासकर जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो गांधी जी के साथ मिलके इनकी यही कोशिश थी कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी रिफॉर्म लाए जाएं, चेंज लाए जाए, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक वेल एजुकेटेड जनरेशन हो और वो देश को आगे लेके जाए. क्योंकि उससे पहले अंग्रेजों का यहाँ पर रूल था और काफ़ी सारी एजुकेशन सिस्टम में ऑब्स्टिकल भी थे. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने गांधी जी के साथ क्लोजली लिंक करके जो है देश को आगे बढ़ाया. उससे पहले भी इन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारी मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है. आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्लासेस मिलती हैं. ये वो एजुकेटर्स हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यूपीएससी को क्वालिफाई किया जाता है. मैं बार बार आपको कहता हूं कि इन एजुकेटर से आप यही सीख सकते हैं कि क्या चीज पढ़नी होती है और क्या चीज नहीं पढ़नी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज हमारा टॉपिक दिस इज अबाउट मी सुहेल तुर्की, टीचिंग हिस्ट्री जीएस एंड हिस्ट्री ऑप्शनल इन इंडियन सोसाइटी ऑन अन अकेडमी. एंड दो कैंडिडेट्स हु आर जॉइनिंग द फर्स्ट टाइम हियर, आई रिक्वेस्ट देम डू जॉइन माय यूपीएससी मेंटर टेलीग्राम चैनल अंडर द बैनर ऑफ अन अकेडमी, सो दैट यू कैन गेट एन अपडेट रिगार्डिंग माय all upcoming classes, either it is special classes or plus classes. Apart from that, here you can use my code SUHEL10 to get a 10% of instant discount. And please do participate in the free test series, jo ki bilkul free hai. Ye aapko 2022 ke candidates jo hain aur 2023 ke bhi isme participate kar sakte hain, bilkul free hai. To aapko pata chalta hai ki aap kahan pe hain, kahan pe galtiyan kar rahe hain aap, kitna aur seekhna padega aapko. And soon we are going to launch a new YouTube channel for optional subjects. Even though I am going to take some of the classes, ये YouTube channel आपको optional में बहुत benefit हो देंगे. So hopefully हम जल्दी ही इसको launch भी करेंगे. Apart from that, the candidates who are looking for iconic subscription,
जो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, जिनको चाहिए कि एक एजुकेटर उनके साथ रहे, तो आप अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ यू विल गेट अ लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, एक कंप्लीट ओपन हाउस विद एजुकेटर, और इसमें आपको टीचर जो है वो प्रॉपरली गाइड भी करते रहेंगे. एंड सम ऑफ द कैंडिडेट हू हैविंग सम फाइनेंशियल इशू, दे कैन गो फॉर द लोन प्रोसेस एंड इट विल जस्ट टेक 2 hours टू कंप्लीट द होल प्रोसेस. तो कैंडिडेट्स हू आर लुकिंग फॉर ऑप्शनल, दे हैव टू पे ओनली 24,750. आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, 11 नवंबर 1888 फ्रीडम फाइटर, द ग्रेट रिफॉर्मर, द ग्रेट एजुकेशनिस्ट, द ग्रेट राइटर, जितने नाम आप देना चाहें इनको हम दे सकते हैं. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वॉज बर्न इन मेगा प्रेजेंट डे सऊदी अरबिया के अंदर ये पैदा होते, यानी कि इंडिया का ओरिजिन नहीं है, इंडिया से बाहर थे. आज जिस अरब की आप बात करते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, वहां पे इनका जन्म होता है, फिर ये इंडिया आते हैं. मतलब बहुत अलग सी एक हिस्ट्री इनकी है. सो इंडियन ओरिजिन नहीं है. ही वॉज अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक करने की कोशिश की गई. सवाल उस समय का है जब थोड़ी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर ऑन रिलीजियस बेसिस कम्युनल वायलेंस हो रहे थे. ये टाइम वो है जब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत ज्यादा थी, यानी कि अंग्रेजों का ये मानना था कि हिंदुओं को और मुसलमानों को एक नहीं होने देना है, और उसका ये सिंबल बने कि हिंदू मुस्लिम एक हो और तभी देश आगे बढ़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ओपोनेंट ऑफ द कंट्री पार्टीशन, और बिल्कुल पार्टीशन के खिलाफ थे. तो इनकी एक ओवरव्यू भी अगर आप करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा लीडर जो यूनिटी चाहता है, जो पार्टीशन बिल्कुल नहीं चाहता, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं चाहता, जो नहीं चाहते थे कि देश के दो बंटवारे हों. लेकिन लास्ट में जब आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं रहा था, क्योंकि मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पढ़ा भी रहा हूं, आप सब जानते हैं कि लास्ट में द फाइनल जो कोर पार्ट था पार्टीशन का, वो यही था कि अब दोनों को अलग होना था, क्योंकि सारी हदें पार हो चुकी थी. एटलीस्ट हम उस लेवल पे आ चुके थे कि शायद अब हम जुड़ नहीं सकते थे. और फिर लास्टली फाइनली पार्टीशन हो गया, और इसमें बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि ये जो पार्टीशन हुई थी, मैं अपने बच्चों को क्लास के अंदर बोल भी चुका हूं कि पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस हुई, रिलीजन के ऊपर पार्टीशन हुई कि हिंदू अलग हो जाएंगे और मुस्लिम अलग हो जाएंगे. लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर काफी सारे मुसलमानों ने प्रेफर किया कि वो इंडिया में ही रहेंगे, और यही वो वजह है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन के तौर पे देखी जाती है. एंड इट क्लियरली शोज कि बाकी के देशों के अंदर भी अगर हम देखें तो इस जैसा सेक्युलर देश हमें कहीं और नहीं मिलता है, जहां पे आपको हर टाइप का रिलीजन देखने को मिले. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोल इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, अगर हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करें, यानी कि देश आजाद होने से पहले और देश आजाद होने के बाद, तो दो रोल इनके हैं. He developed an interest in a nationalism quite earlier itself because he was from the Saudi Arabia. He was a very big critic of the British government. तो इन्होंने आते ही government को critic करना शुरू कर दिया, British government को, कि आप भारत को इस तरीके से गुलाम नहीं रख सकते, या आपके जो जुल्म है, जो आप drain कर रहे हैं, यहाँ से wealth लूट के ले जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है. For its racial policies and its blatant disagree with the need of the common Indian. और लोगों की जो need है वो fulfill नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी जब ब्रिटिश लोग यहां पे थे. पर मैं इससे पहले भी इनके बारे में ये बता भी चुका हूं. एंड ही वॉज ऑल्सो फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और मेन काम ये था कि अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे तो देश की काफी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है. लेकिन वही बात है कि अंग्रेजों ने जो फूट डालनी थी, जो पार्टीशन करना था, वो करके चले गए, क्योंकि उनके पास कोई और वे नहीं था. जाते जाते भी वो पार्टीशन हमें देखे गए. मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में पार्टीशन को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं. ये वो पार्टीशन है जिसमें 1,000,000 लोगों की डेथ हुई. ये वो पार्टीशन है जिसमें लोग अपने चेहरों को छुपाते थे. ये वो पार्टीशन है जिसमें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू भाग के इंडिया आते हैं, और इंडिया में जो मुसलमान हैं वो भाग के पाकिस्तान जाते हैं. ये वही समय है जब हमारे पास रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई. ये वही
पार्टीशन है जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हुए, ये वही पार्टीशन है जिसके अंदर बहुत सारे रेप हुए, ये वही पार्टीशन है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे बच्चों को मारा गया। सो ओवरऑल नहीं चाहते थे कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो, लेकिन फिर भी हो गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने बहुत अच्छे से डीपली इस चीज को पढ़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज वेरी अगेंस्ट द मुस्लिम लीग, ये बिल्कुल मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। अब क्यों खिलाफ थे? क्योंकि मुस्लिम लीग फाइनली डिसाइड कर चुकी थी कि हम लोग यहां पे एक देश जो बनाएंगे वो देश कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। तो उनके कंसेप्ट को लेके, उनके वर्डिंग को लेके उन्होंने क्लियर कर दिया था कि दैट द मुस्लिम वेयर द सेपरेट नेशन एंड सो वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। रीजन यही है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया करने का रीजन दैट ही सेंड्स अ लीग लीडर फॉर पुटिंग देयर ओन इंटरेस्ट अहेड ऑफ द कंट्री। वेल इट वाज क्लियरली मेंशन इन द बुक दैट दिस पार्टीशन वाज द ओनली रीजन, देयर वाज नो अदर वे टू कम आउट दिस सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। देन everybody thought maybe the only way to get rid of from some situation is the partition, but still Maulana Abdul Kalam Azad, jinka origin Saudi Arabia se hota hai, wo bilkul nahi mante, wo kehte ki nahi, ye zaruri nahi tha ki partition ho, but ho gayi, lekin wo Muslim League ko support nahi karte hain. As Muslim League said ki hame Muslims chahiye, to us cheez ko leke unhone bilkul unko mana kar diya. He was influenced by revolutionary like, ये पॉइंट मैं हमेशा कहता हूं कि प्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अरबिंदो घोष अ स्पिरिचुअल लीडर एंड श्यामा सुंदर चक्रवर्ती, उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, उनकी स्टोरीज उनकी बुक्स इन्होंने पढ़ी थी। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वॉज अगेंस्ट द पॉपुलर मुस्लिम सेंटिमेंट ऑफ दैट डे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर आपको याद होगा कि मैंने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये पढ़ा भी चुका हूं, लॉर्ड कर्जन का टाइम था जब मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बांटा जा रहा था, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। इवन दो ही वॉज एजुकेटेड टूवर्ड्स बिकमिंग क्लर्क एंड ही स्टेप टूवर्ड अ जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स। लिखावट, मैंने कल भी आपको कहा था कि जब भी हम किसी बड़े लीडर के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज बड़ी अच्छी पता चलती है कि वो एक बहुत अच्छे राइटर थे, और उन्होंने अपनी एजुकेशन और अपनी जो राइटिंग है उसके थ्रू जो है लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, और उसमें से एक ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज जनरल अल हिलाल एंड अल बग, ये नाम जो है ये प्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अल हिलाल एंड अल बलाग वेयर बैन बाय द गवर्नमेंट, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब की क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। अपने न्यूज़पेपर के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिक इनको फेस करना पड़ा। अंग्रेज इनके न्यूज़पेपर और ये जो उस समय लिखा करते थे तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म जागता था, ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे और इसीलिए इनके इन न्यूज़पेपर को बैन भी कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितने भी हम पर्सनैलिटीज को पढ़ चुके सब कहीं ना कहीं एक ग्रेट राइटर रहे। आजकल हम राइटिंग नहीं करते हैं आजकल, और वैसी राइटिंग रही भी नहीं है। कुछ ही लोग हैं आजकल जो अच्छी किताबें लिखते हैं, हम तो कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, बस मिल गया तो पढ़ लिया। ये खुद लिखा करते थे, ये सिचुएशन के हिसाब से लिखा करते थे। ही सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड ही टुक पार्ट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द रोलैक्ट एक्ट ऑफ 1919। रोलैक्ट एक्ट के बारे में मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। खिलाफत मूवमेंट आप जानते हैं कि ये टर्की की एक मूवमेंट थी जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी अली ब्रदर्स के द्वारा। इसी समय गांधी जी ने भी एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की 1920 के अंदर, जिसको असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। इन द सेम पीरियड इन 1920 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद अ न्यू एक्ट कॉल्ड रोलैक्ट एक्ट, जो सर सिडनी रोलैक्ट ने पास किया, जो आपकी बुक में मेंशन है। मैंने कहा था कि क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 में आपके लिए दिया भी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही सपोर्टेड महात्मा गांधी व्यू ऑफ नॉन वायलेंस सत्याग्रह एंड ही वाज कमिटेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ही आल्सो प्रमोटेड स्वराज एंड स्वदेशी मूवमेंट। और इन्होंने गांधी जी का बहुत साथ दिया है। बीइंग एज ए मुस्लिम
ही वॉज विद गांधी अंटिल लास्ट फेज. He supported Gandhi view of non-violence, Satyagraha, civil disobedience movement, non-cooperation movement, and promoted the Swaraj and Swadeshi movement. और कोशिश की कि लोगों तक मैं किसी तरीके से स्वराज और स्वदेशी मूवमेंट पहुंचाऊं. सो ये चीजें शो करती हैं कि वो कितने टैलेंटेड थे और सच में उन्होंने भारत के लिए जो किया है वो आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है. Apart from that, 1923 he became the youngest president of the Congress. अब ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं. सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट अगर इंडिया के कांग्रेस में कोई रहे हैं तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. यंगेस्ट मतलब छोटी एज में ही इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि वो प्रेसिडेंट बने एट द एज ऑफ 35 एंड ही वॉज एन एक्टिव लीडर ऑफ द पार्टी एंड वॉज इम्प्रेजेंट फॉर द गवर्नमेंट मनी टाइम. और बहुत बार इनको जेल भी जाना पड़ा. अब देखिए इंडिया के नहीं है, सऊदी अरेबिया के हैं. जन्म वहां हुआ लेकिन देश भारत को चुना और उसके लिए लड़ा. पार्टीशन भी हुई तो मुसलमानों के साथ नहीं गए, इंडिया में ही रहे. आजाद बिलीव इन द यूनिटी ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद इट डाइवर्स इनहेबिटेंट्स. ये मानते हैं कि देश वो है जहां पे अलग अलग तरीके के कल्चर, अलग अलग तरीके के रिलीजन, अलग अलग तरीके से. इसीलिए इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हों और वो मिलके रहते हों, वो देश कहलाया जाता है. देश वो नहीं होता जिसमें एक तरह की पॉपुलेशन हो, एक तरह का कल्चर हो, क्योंकि तब देश बनता है जब यूनिटी हो और डाइवर्सिटी उसके अंदर हो, तो फिर एक देश कहलाया जाता है. एंड ही सेड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. और यही वजह है कि मैं फक्र से कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं. और भारत कहने के पीछे सबसे बड़ा मेरा रीजन ये है क्योंकि यहां पर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. ये वो देश है जहां पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं. तो कुछ रीजन होने चाहिए कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान को नहीं चुना, क्यों वो इंडिया को चुन रहे हैं. सऊदी अरब से आए तो बेसिकली उसी चीज को हमने प्रिजर्व करना है. आज भी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो यही है कि भारत के अंदर जितने भी डिफरेंट कल्चर्स हैं वो सारे के सारे प्रिजर्व किए जाए. हमें एक दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखनी चाहिए. देश सभी ये आगे बढ़ेगा जब सारे देशवासी मिलके जो है इसको आगे बढ़ाएंगे. आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, 26 जैन. बेसिकली यही वो दिन था जब देश आजाद भी हुआ था. 26 जैन 1930 लाहौर का सेशन होगा, आपको याद होगा, जब सबसे पहले भारत ने आजादी का दिन मनाया था. वहां से हम लोगों ने फिर इसको, क्योंकि फिर 15 अगस्त को हम लोगों को आजादी मिली, इस 26 जैन को हमने रिपब्लिक डे रखा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल भी फॉर्म हुआ, भारत एक रिपब्लिक देश बना और आज हम सेलिब्रेट भी करते हैं. उम्मीद है आप ये भी जानते होंगे, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल यूनिटी, दिस इज द इंडियन नेशनैलिटी. और मैं इस देश का हूं जहां पे, क्योंकि इनको नेशनैलिटी भी मिली थी, सऊदी अरब से बिलोंग करते थे. ये वो इंडिया है जो बहुत विजिबल है, हर देश के अंदर आपको देखने को मिलता है. एंड आई एम इंडिस्पेंसिबल टू दिस नॉवल एफिशिएंट एंड विदाउट मी द स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर इज इनकम्प्लीट. यानी कि अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये करूंगी, कोई ये कहता है कि सर इंडिया मेरा है, दूसरा कहता है कि इंडिया मेरा है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों को अगर मिला के देखेंगे तब इंडिया बनता है. किसी एक पर्टिकुलर इंसान से इंडिया नहीं बनता है. और वही ये चीज कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंडिया को आगे लेके जाएगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एसेंशियल एलिमेंट व्हिच हैज गॉन टू बिल्ड इंडिया, आई कैन नेवर सरेंडर दिस क्लेम. मैं हूं वो जो भारत को बनाऊंगा. एंड ही आल्सो टू पार्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर विच ही अलॉन्ग विद द मोस्ट अदर कांग्रेस लीडर वेर अरेस्टेड. और तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक भारत आजाद नहीं होगा. अंग्रेजों से हम भारत को आजाद नहीं करवाएंगे, तब तक लड़ता रहूंगा, तब तक भारत का पार्ट बनना रहूंगा. और ये सच भी साबित हुआ. सच इसलिए साबित हुआ क्योंकि आजादी से पहले जो उन्होंने बोला था वो आजादी के बाद उन्होंने करके दिखाया कि देश को कभी नहीं छोड़ू. और फिर सबसे ज्यादा काम एजुकेशन के लिए किया. एम ए जिना वॉज एंटीगनिस्टिक टू आजाद एंड फेमसली रेफर टू हिम एज ए कांग्रेस शो बॉय. उनको जो नाम लिखा गया था, मतलब चमचा, इस तरीके से आप कह सकते हैं शो बॉय, कि तुम्हें कांग्रेस वाले कुछ बोल देते हो और तुम उछल कूदते हो. सच्चाई ये नहीं है,
प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों को खतरा है। अली मोहम्मद जिन्ना उनसे ये बात बोलते हैं, और ये मसला था कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, अली मोहम्मद जिन्ना चाहते थे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उनके साथ जुड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उनको नाम भी दिया गया। He was against the separate communal electoral system and said that Islam too had claimed the soil of India. यानी उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम के अंदर में भी ये लिखा है, पार्टीशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये देश से मोहब्बत करो, जिस देश में आप रहते हो वो देश आपका भी है। सो उन्होंने रेफरेंस के तौर पे इसको इस्लाम के साथ भी जोड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंट प्रोमिनेंट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, ही बिलीव दैट पार्टीशन वुड बिकम अ परमानेंट बैरियर बिटवीन द टू कंट्री। और उन्होंने उस समय कहा था कि ये जो पार्टीशन है ये एक बैरियर बनेगा फ्यूचर में, जो कि आज हमें दिखता भी है। आपको नहीं पता है कि जिस पार्टीशन को आप खुशी खुशी कर रहे हो, ये आने वाले सालों में आपके लिए इतना बड़ा बैरियर होगा, इतना बड़ा ऑब्स्टिकल होगा कि इसमें पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। और हुआ भी वही कि ये कम्युनल वायलेंस फिर कभी रुका ही नहीं। होपफुली इस बात से आप भी एग्री करेंगे। ये होता है एक लीडर की सोच, जो वो बहुत आगे तक सोचता है कि उसको पता होता है कि इसका इंपैक्ट आगे फ्यूचर में क्या पड़ने वाला है। और सच में ये बात भी है कि इसका इंपैक्ट आज भी आपकी सोसाइटी, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी एजुकेशन, आपकी सोशल लाइफ पे दिख रहा है। मैं क्लास के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा चुका हूं अपने बच्चों को कि शायद मे भी अगर पार्टीशन ना हुआ होता तो ये जो वायलेंस आज आपको देखने को मिलती है ये नहीं होती। Apart from that, he said that politics of partition itself will act as a barrier between the two countries. और ये जो आपने politics बनाई, the two countries divided on the basis of politics, ये भी एक barrier है। आज हमारा political system बिल्कुल collapse, और सारा कुछ जो भी हो रहा है वो इर्द गिर्द एक ही चीज के पीछे नाच रहा है। जो पैसा हम लोग एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते थे, जो पैसा हम भारत की डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकते थे, जो पैसा हम लोग गरीबी को खत्म करने के लिए यूज कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं और किसी चीजों में हमें यूज हो रहा है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द नेबरिंग साइड। और वो उन्होंने उस समय कहा था। मैंने तभी कहा कि एक सुलझा हुआ इंसान, एक समझदार इंसान यह समझ सकता है कि उन्होंने पार्टीशन होने से पहले ये चीजें बता दी थी कि आगे फ्यूचर ये है। And it will not be possible for Pakistan to accommodate all the Muslims of India at task beyond their territorial capability. और एक और चीज उन्होंने बताई थी कि अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हम सब मुसलमानों को इस देश में रखेंगे तो ये उनके लिए उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी जमीन भी नहीं है और दूसरा आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप सारे मुसलमानों को एकोमोडेट कर पाए। और हुआ भी वही कि वजह लास्ट पे ये निकली कि बहुत सारे फिर मुसलमानों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो इंडिया में रहे। लेकिन जो आज इंडिया के अंदर मुसलमान हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट दे आर द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। ऑन द अदर हैंड, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द हिंदू टू स्टे स्पेशली इन वेस्ट पाकिस्तान, दे विल बी देयर ओन आउट ऑफ लीव इन देयर ओन। और वो एक ना एक दिन वो छोड़ के आएंगे और वो इंडिया में आएंगे, क्योंकि वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया था, और इस मैसेज में ये क्लियरली दिख रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ना मुसलमानों को वो रख सकते हैं और ना ही वो हिंदुओं को वहां पर रख सकते हैं, और इसीलिए भारत के अंदर ही रहना बेहतर है। ये उनकी सोच पार्टीशन को लेकर थी, और जो कि बाद में शायद में भी सच भी साबित हुई, क्योंकि टेरिटोरियल तौर पे देखा जाए तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि फिर बंगाल का हमने एक केस देखा था जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया लास्ट में, एक चीज वो भी देखने को मिली। फिर कहते हैं आजाद वाज अपॉइंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये वो टाइम था एजुकेशन अंडर द नेहरू गवर्नमेंट। अब सवाल ये था कि अब समय आ चुका है कि जो पार्टीशन से पहले, यानी कि आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो बिफोर इंडिपेंडेंस में जो आपने कहा है वो आप अब रियल में करके दिखाएं। तो नेहरू की गवर्नमेंट में उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। अब अंडर हिज थिंग्स एजुकेशन मिनिस्टर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर सेटअप, आज भी आपके पास है, आज भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है उसका। The champion of national integrity passed away of 22 Feb 1950 owing to the stroke.
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल एजुकेशन डे। आज भी हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाते हैं। जो देश को वो दे के गए हैं वो आज भी दिल के अंदर है और सर आंखों पे है, क्योंकि जिस लीडर ने आपको एजुकेशन की ओर लिया वो रेयर लीडर होता है। एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न 1992 के अंदर, उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। और रीजन उसके पीछे यही था कि उन्होंने इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, इंडिया को बचाने के लिए बच्चों को एजुकेशन की बात की गई। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रीब्यूशन ही वॉज प्रोमिनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपोज टू द पार्टीशन। 1912 ही स्टार्टेड ए वीकली उर्दू पेपर कॉल्ड अल हिलाल विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। अल हिलाल उर्दू पेपर हुआ करता था। And Hindu-Muslim unity after the bad blood created between the two communities, जब उनको लगा कि दो communities के बीच में लड़ाई है, और इन्होंने यहाँ पे फिर Morley Minto Reform Act के बारे में 1909 के बारे में लिखा था, जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम मुसलमानों को दिया गया था, उन्होंने अपोज किया था कि ऐसा गलती मत कीजिए, इससे आप देश को बांट रहे। एंड अंडर द 1909 रिफॉर्म एक्ट द प्रोविजन ऑफ सेपरेट टेरिटरी फॉर मुस्लिम वॉज रेस्ट्रेंड बाई द हिंदूज, क्योंकि उनको पता था कि ये अंग्रेजों की एक चाल है जो वो मुसलमानों को दे रहे हिंदू को लड़ाने के लिए, और हिंदू को अलग से बात करते तो वो समझाते रहे कि अंग्रेजों की पॉलिसी को समझिए, अंग्रेज आपको कभी भी एक नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात बड़ी देर बाद समझ में आई, और ये आज हमें समझ में आ रही है कि बेसिकली वो क्या करके गए। द गवर्नमेंट रिगार्डेड अल हिलाल जो न्यूज़पेपर आता था, उस न्यूज़पेपर को उन्होंने बैन कर दिया 1914, क्योंकि उसके अंदर जो वर्डिंग यूज होती थी उर्दू में लिखा जाता था, लेकिन जो वर्डिंग होती थी वो अंग्रेजों के खिलाफ होती थी, और बिल्कुल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ये क्लियरली इंटीमेट किया गया कि आप इस तरीके के शब्द और वर्ड यूज नहीं करेंगे। और बहुत बार बताने के बाद भी जब वो नहीं रुके तो फिर इस उर्दू न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टार्टेड अनदर वीकली, जब वो बंद हुआ तो फिर एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया अल बल्ब, विद द सेम मिशन था इंडियन नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी आइडिया बेस्ड ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर इन्होंने एक और न्यूज़पेपर, ये रुके नहीं, भले ही अंग्रेज कहते रहे ये लेकिन हटे नहीं। फाइनली 1906 द गवर्नमेंट बैनड दिस टू पेपर एंड एक्सपेल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उनके लिखने की वजह से उनको कोलकाता एक्साइल्ड हिम टू बिहार फ्रॉम वेयर ही वाज रिलीज आफ्टर द फर्स्ट वॉर 1920, और उनको जेल कर दिया गया। यानी कि लिखने की वजह से जेल, क्योंकि उनकी लिखावट में इतनी, राइटिंग में इतना वो इमोशंस थे कि लोग पढ़ने के बाद उनके साथ अटैच हो जाते थे। अंग्रेज हर चीज से डरते थे, उनको पता था कि यार एक बंदे ने भी अगर पढ़ लिया तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी बन जाएगा। सो एक न्यूज़पेपर बंद बैन होता है तो दूसरा यूज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द ग्रेट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ही हैज डन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन, ही हैज डन लॉट फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आज इस एजुकेशन सिस्टम को हम सेलिब्रेट भी करते हैं। आजाद सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हिंदुओं के साथ मिलकर हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। एंड बाय गांधी जी एंड एंटर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। बड़ी छोटी ही उम्र में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1920। ये समय बहुत ज्यादा क्रिशियल टाइम था। एंड इन 1920 ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट, और 1923 में ही प्रेजिडेंट भी बन गए। एट द एज ऑफ 35 ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू सर्व द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यंगेस्ट बने छोटी ही एज में। जब गांधी जी जेल कर दिए गए तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि 1923 को ये प्रेसिडेंट बनेंगे, 1924 को गांधी जी प्रेसिडेंट बनेंगे। और इन्हीं के बीच में स्वराजिस्ट पार्टी भी बनी थी जब डिवीजन हुआ था, तो लड़ाइयां हो रही थी बिटवीन द स्वराजिस्ट पार्टी और बिटवीन द INC। तो इन्होंने उसको भी खत्म करने की बात की थी कि कांग्रेस के बीच में लड़ाइयां ना करें। एंड वी हैव टू वेट गांधी जब वापस आएंगे, और 1924 को गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं। मौलाना आजाद वर अरेस्टेड इन 1930 फॉर वायलेशन ऑफ सॉर्ट लॉ। वो तो गांधी को भी बंद किया गया तो इनको भी। ही वॉज पुट इन द मेरिट जेल फॉर ईयर एंड हाफ, डेढ़ साल रखा गया। एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन अगेन इन 1940 एंड रिमेन इन द पोस्ट टिल 1946 तक। फिर कंटिन्यूसली ये प्रेसिडेंट रहते हैं। बड़ा अच्छा सफर देखा इन्होंने। अब 1940 में याद रखिएगा कि कांग्रेस के
ऑफर ही ऑफर आ रहे थे। फिर उसके बाद क्योंकि कांग्रेस का कोई भी सेशन हुआ नहीं तो टिल 1946 तक फिर यही प्रेसिडेंट भी रहते हैं, तो एक अच्छा खासा समय देखा है उन्होंने। और हम ये कह सकते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बड़ा एक समझदार और सुलझे हुए इंसान थे, सब चीज़ों को जानते थे। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बात की है वो फ्यूचर की बात की है कि जो चीज़ें आज आपको बड़ी अच्छी लग रही है कि आप पार्टीशन कर देंगे, आप ये कर देंगे, जो आपको दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे, इन 1947 ही बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एंड रिमेन एट दिस पोस्ट टिल हिज डेथ इन 1958। जब तक उनकी डेथ नहीं होती है वो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इनके समय में बहुत ज्यादा ट्रमेंडस वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री, सिर्फ एक ही काम किया, एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। एंड द फर्स्ट IIT IIT स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सारे इन्हीं के समय में ही एस्टेब्लिश किए गए जो आज आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर नेशन फॉरिन 3 अकेडमी वेयर फॉर्म। पहला साहित्य अकेडमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर का काम हो। संगीत नाटक अकेडमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यूजिक एंड डांस, जिसमें हम भारतनाट्यम नाट्य शास्त्र के ऊपर जितने भी हमारे। ललित कला एकेडमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग, ये भी इन्हीं के समय। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना वो किसी ने नहीं दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वॉज रिसेंटली अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द भारत रत्न 1922। ये जो ऊपर तीन आप पढ़ रहे ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला एकेडमी अवार्ड, ये सारा आपको तीनों में आप देखेंगे तो ये नितिन सिंघानिया का एक कोर पार्ट है, यानी आर्ट एंड कल्चर का कोर पार्ट माना जाता है। ये सारा इन्हीं के समय में हुआ है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री विद व्हाट, विद द कल्चर, क्योंकि कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। अगर कल्चर नहीं है तो कंट्री आगे नहीं बढ़ती है। बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उनका ये काम था। ड्यूरिंग हिज यंग एज ही रोज टू बी प्रोमिनेंट थ्रू हिज वर्क ऑफ जर्नलिज्म, पब्लिश वर्क क्रिटिकली ब्रिटिश राज, एक्सपोजिंग कॉज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एंड ही वर्क फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी थ्रू द अल हिलाल न्यूज़पेपर। अपने छोटे से न्यूज़पेपर के थ्रू वो यही कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में बिछड़े ना। खिलाफत मूवमेंट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वॉज प्रोमिनेंट लीडर इन खिलाफत मूवमेंट इन विच ही केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द नेशनल लीडर सच एज महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पी टी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब से ये मिले। और क्योंकि उनसे छोटे भी थे और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और लाइफ ने बहुत कुछ इनको सिखाया भी, क्योंकि इंडिया के नहीं थे तो ज़रूरी ये था कि इंडिया की एटलीस्ट इंडिया की जो मेन चीज है वो है हिस्ट्री को कैसे समझा जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मैं अगर इनको देखता हूं तो सबसे ज्यादा डिसहार्टन बाय द रोल एक्ट ऑफ 1919। एक एक्ट पास किया गया था, रोल एक्ट, जिसमें इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को करप किया गया था, लिबर्टी छीन ली गई थी। और ये एक्ट पास किया था रोल एक्ट सर सिडनी ने, उसके द्वारा ये था कि कोई भी बंदे को इजाजत नहीं होगी कि वो कहीं पे असेंबली करे, अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया तो 2 साल की जेल हो जाएगी, वो भी बिना आपको कोई भी वारंट दिए हुए, और नो वकील और नो दलील वाला सिस्टम था, विदाउट एनी ट्रायल। तो इसके खिलाफ बड़े इश्यू होने लगे और उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ऑर्गेनाइज सेवरल एजिटेशन एंड वर्क द एबल गाइडेंस ऑफ गांधी जी एंड इन प्रिंसिपल एंड दरसाना सत्याग्रह, याद होगा आपको। ये वो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा जो है हालात खराब हो गए थे। सरोजिनी नायडू का नाम यहाँ पे याद आता है, ही वॉज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ दरसाना सत्याग्रह 1931, इमर्जेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर ऑफ द टाइम, प्रोमिनेंट लीडिंग कॉजिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम एज वेल एज सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। क्योंकि गांधी जी को जब जेल कर दिया गया, सवाल ये था कि आखिर अब सत्याग्रह मूवमेंट कौन चलाएगा, तो दरसाना के एरिया के अंदर ये लोग बैठ गए और इनका ये कहना था कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। लेकिन उसके बाद इनको भी जेल कर दिया गया और ये भी काफी समय तक जेल में रहे, बंद कर दिया गया इनको। प्रोटेस्ट अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी, इन्होंने बिल्कुल मौलाना क्रिटिक जिन्ना और टू नेशन थ्योरी एंड बिलीव दैट हिंदू मुस्लिम कैन को एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट, कि जरूरी नहीं है कि टू नेशन थ्योरी हो, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं, इससे पहले भी रहे थे आज भी रहेंगे।
क्विट इंडिया मूवमेंट में मैं देखता हूं तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिलाइज ऑन द लेड एजिटेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट. ही सर्व एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1940 टू 1945 ड्यूरिंग व्हिच द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च. तो इनको आप पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो हर चीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया इंडिपेंडेंस ही नेगोशिएट विद द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. And further, he was strictly against the Indian partition even after acceptation of partition by Gandhi. Gandhi ji ne maan liya tha ki partition ho jaye. Ye phir bhi kehte the ki Gandhi partition mat karne dijiye. Kyunki last mein koi aapke paas alternate bacha nahi tha, to Gandhi ji ne bhi finally keh diya ki agar log kehte hain ki partition ho jaye to ho jaye. Lekin ye phir bhi Gandhi ji ko kehte rahe ki mujhe acha nahi lag raha hai ki partition ho. Ek dar tha ki desh ke andar bantwara, वो देश जिसको हमने मिलके सबने ये सोचा था कि हम आगे बढ़ेंगे, उस देश के अंदर पार्टीशन होगी तो प्रॉब्लम होगी. लेकिन सवाल यही था कि आप, क्योंकि देश की इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटीज, देश के आगे भविष्य की बात थी, तो फिर फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि हम लोगों को अब पार्टीशन के बिना कोई और ऑल्टरनेट नहीं दिखता. So thank you so much and hopefully the candidates who are looking forward for to join the Unacademy, this is the best time to join. We are going to launch the new classes on 26-7 January, yani ki kal se shuru hone wale hain naye courses. Agar aap Unacademy ka part banna chahte hain to beta ye bahut acha samay hai ki aap Unacademy ka part ban sakte hain, because we have a great offer to all of you. That Unacademy is providing you the best offer, Republic Day special, 6 month free extension. आज अगर आप Unacademy के साथ जुड़ते हैं, ये 3 दिन special offer, 25, 26, 27, यानी कि अगर आप 1 year के लिए जाते हैं तो आपको 18 month मिलते हैं बेटा, यानी pre से लेके mains तक. और मैं चाहूंगा कि आप में से जिन बच्चों को Unacademy का part बनना है तो ये best time है. So do join with Unacademy by using my code Suhail 10 to get a 10% of extra discount. रिमेंबर वन थिंग, मेरी स्पेशल क्लास आज 1:30 बजे होगी जहां पे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे. होपफुली आप वहां पे भी ज्वाइन करेंगे. जो बच्चे पहली बार आज जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट देम कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी मेंटर टेलीग्राम चैनल. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो दैट यू कैन गेट एन अपडेट रिगार्डिंग माई क्लास. होपफुली आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. कल फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटीज के साथ और देखेंगे कि किस तरीके का काम उन्होंने किया है. सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.